भगवद गीता अध्याय 14 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से होते हैं, कैसे हम तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, तीन गुण के लक्षण क्या हैं, अलग अलग तीनों गुणों के क्या क्या लक्षण होते हैं और तीनों गुणों की गति क्या होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम कैसे इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं या फिर इनसे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हमारे पास एक सूक्ष्म इच्छा होती है, फ्री इंडिपेंडेंट सॉरी फ्री फ्री विल होती है, इंडिपेंडेंट विल। उसमें हम भोग को चुने या भगवान को चुने, किसी को भी हम चुन सकते हैं, लेकिन जब भोग को चुनते हैं तो क्या होता है, तो हमें अपनी इच्छा के अनुसार एक शरीर मिल जाता है, और जब शरीर मिलता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, प्रकृति, यानी प्रकृति के तीन गुण, मतलब कि हम तीनों गुणों में बन जाते हैं, और इन तीनों गुणों के अनुसार हम क्या हो जाते हैं, कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ही ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती है, तीव्र खाना खाने की, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाने की इच्छा होती है, तो उसको हाथी का शरीर मिल जाता है, एक उदाहरण है। फिर होगा क्या, फिर वो जो तीनों गुण है वो उसको क्या है, खाने के लिए बाध्य कर दे। तो जो भी व्यक्ति जिस 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 प्रकार की इच्छा प्रकट करता है, उस प्रकार का जो है गुण उसके अंदर जो है, और उस प्रकार का जो गुण है उससे वो कार्य कराने के लिए बाध्य होता है, कार्य कराने के लिए क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। मतलब जैसे ही हम शरीर, जैसे हमें शरीर मिलता है, हम प्रकृति के तीनों गुणों से बन जाते हैं। अब हमें अगर इन तीनों गुणों के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम इसमें से बाहर आएंगे कैसे, तो इसलिए ये जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये वो तीन गुण कौन कौन से हैं जो कि हमें बांधते हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि मान लो अगर हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, तीन गुण ही हमसे कार्य करा रहे हैं, तो इसमें दोष तो हमारा है नहीं, उन गुणों का है जो कि हमसे कार्य करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हम अपनी सूक्ष्म इच्छा का दुरुपयोग करते हैं तो हम स्वयं जो है किसमें फंस जाते हैं, इन तीनों गुणों में फंस जाते हैं, बन जाते हैं। और जो भी भोग करना होता है, हम तीनों जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तीनों गुणों के संपर्क में आते हैं, और फिर भोग करने की इच्छा को जो है पूरी करते हैं। और जो जो ये तीन गुण हमसे कार्य करवाते रहते हैं, हम लोग वो कार्य करते रहते हैं, और इस प्रकार उनसे उनमें हम लोग क्या है, बंधे रहते हैं, हमेशा बन जाते हैं। तो हमारे पास हमेशा इच्छा रहती है कि हम किसके दास बने, भगवान के दास बने या फिर तीनों गुण यानी कि माया के दास बने। वास्तव में जो माया हम लोग बोलते रहते हैं वो तीन गुण ही है, जो प्रकृति में हम लोग बार बार माया माया बोलते रहते हैं वो प्रकृति के तीन गुण ही है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हम लोग इस भौतिक संसार में रहते हैं तो सब क्या, इसमें एक सरकार बनती है ना, जैसे अभी इस समय पे जो है सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, तो उनके अपने कुछ नियम होते हैं, सरकार के अपने कुछ नियम होते हैं। अगर हम लोग उन नियमों का पालन करेंगे तो हम लोग आसानी से अपना जीवन जो है बिता सकते हैं। अगर हम लोग उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें जेल हो जाएगी, फिर हमें क्या करना होगा, जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इच्छा हमारी है, हमारे पास इच्छा है, इच्छा हमारी है कि हम लोग किसके नियमों का पालन करना चाहते हैं, भगवान के नियमों का या फिर माया के नियमों, भगवान का दास बनना चाहते हैं या फिर माया का दास बनना चाहते हैं, तीनों गुणों का दास बनना चाहते हैं। भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। क्यों प्राप्त की है, क्योंकि अगर जो इन तीनों गुणों के बारे में जानता है वही क्या कर सकता है, इन तीनों गुणों से निकलने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि अगर तीनों गुणों में बंधा रहेगा तो वो तीनों गुण जो है उससे कार्य कराते रहेंगे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये जो परम ज्ञान है, अगर इसको जान लिया तो
है तुम भी परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी को परम सिद्धि चाहिए तो उसको तीनों गुणों के बारे में जो तो ज्ञान है उसको जानना होगा और समझना होगा। जो इस ज्ञान को समझ जाएगा वो आसानी से परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। बद्ध यानी कि बंधा हुआ है। बंधा हुआ यानी कि इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है प्रकृति के। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस तरह किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो वही चीज प्रभुपाद जी भी हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि सिद्धि हमें कैसे प्राप्त होगी, जब हम इन तीनों गुणों के बारे में जान जाएंगे। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तभी हम लोग जो है सिद्धि प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। लेकिन भगवान का जो स्वभाव है, भगवान बोल रहे हैं मेरी दिव्य प्रकृति यानी मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव जो है, ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का स्वभाव है सच्चिदानंद विग्रह। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह है। तो सत मतलब पूर्ण शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञानी, और आनंद यानी कि परम आनंद के स्रोत। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें ये ज्ञान अगर पता चल गया, कोई अगर इस ज्ञान को जान लिया और उसमें स्थिर हो गया तो वो भी मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए हमारा जो स्वभाव है, हम लोग क्या है? आत्मा है। आत्मा किसका अंश है? भगवान का। तो हमारा भी स्वभाव क्या है? हमारा भी स्वभाव है सच्चिदानंद। लेकिन भगवान के पास जो सच्चित आनंद है वो अनंत मात्रा में है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सच्चित आनंद है वो क्या है? वो सीमित मात्रा। तो अगर हम लोग उस तरीके से सोचे तो देखा जाए, तो मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि कैसे, मतलब देखिए दोनों का तो सेम है। जैसे एक समुद्र है, एक समुद्र में से अगर आप नमक निकालेंगे तो उसकी मात्रा कहीं ज्यादा होगी लेकिन वो होगा खारा। वैसे ही अगर एक समुद्र में से आप एक कटोरी भर के पानी लेके आइए और उसमें नमक निकालिए तो वो भी खारा होगा लेकिन उसकी मात्रा कहीं गुना जो है उस समुद्र में से निकले हुए नमक से बहुत कम होगी। तो इसलिए मतलब दोनों खारे ही हैं नमक, लेकिन दोनों की मात्रा में क्या है? अंतर है। वैसे ही हमारा और भगवान का जो स्वभाव वो एक ही है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर इस ज्ञान को जान लोगे तो तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लोगे और फिर कभी भी विचलित नहीं होगे। क्यों? क्योंकि फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं अगर इसको जान लिए तो। कैसे होंगे वो आगे पता चलेगा। सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति आह तासां ब्रह्म महाद्यो नीर अहम बीज पद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अभी है ना, हमारे मन में एक प्रश्न आता है हमेशा, एक बार चलता रहता है ना कि मुर्गी आई या अंडा आया पहले, है ना, बीज आया या फिर पेड़ आया पहले। तो इस पर बहुत रिसर्च हुई है और जब रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि पहले अंडा ही आया है। लेकिन अब अंडा आया तो वो कहाँ से आया है? तो भगवान उसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज प्रदा पिता हूं, मैं ही क्या करता हूँ, बीज देता हूँ। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि उसे संसार में जितनी भी योनि है सब जन्म से ही आती है। और वो जन्म से आती है तो वो जन्म कहाँ से, कौन प्रदान करता है? अंडा कहाँ से आया, बीज कहाँ से आया? तो भगवान बता रहे कि उनका बीज प्रदाता का पिता मैं हूं। और ये पहले ही भगवान बता चुके हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, सारे ब्रह्मांड का पिता माता और आश्रय दाता पितामह सब कुछ क्या हूं, मैं हूं। उसी चीज को भगवान जो है यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं। अब भगवान तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निभ्नाति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, यह है रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। संसर्ग यानी संपर्क। देखिए
यह भगवान तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। एक तो है सतो होता है, एक रजो होता है और एक तमो होता है। सतो गुण वो होता है जो कि सबसे ऊपर होता है इन तीनों गुणों में से। क्यों होता है वो देखेंगे हम लोग आगे। रजो गुण जो है दूसरे नंबर पे आता है और तमो गुण जो है सबसे नीचे। अब भगवान बोल रहे हैं कि जब भी कोई शाश्वत जीव यानी कि आत्मा, तो जब भी आत्मा इस प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, तीनों गुणों से बन जाता है। मतलब कि वो सतो गुण से भी बन जाता है, रजोगुण से भी बन जाता है और तमोगुण से भी बन जाता है। अब देखिए तीनों गुण जो है वो बांधते हैं। मतलब कि सतोगुण भले ही सर्वश्रेष्ठ क्यों ना, लेकिन फिर भी वो बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि उसका मतलब आगे देखेंगे क्यों क्यों बांधता है, क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमें बांधते हैं वास्तव में। लेकिन ये है क्या, एक तरीके से हथकड़ी जैसा है। तो हमारे पास एक लोहे की हथकड़ी है, एक सोने की हथकड़ी और एक चांदी की हथकड़ी है। तो मान लो सोने की हथकड़ी जो है वो सतोगुण है, चांदी की हथकड़ी रजोगुण है और लोहे की हथकड़ी तमोगुण है। लेकिन हथकड़ी का काम क्या है, बांधना। तो वो भले लोहे की क्यों ना हो, वो सोने की क्यों ना हो, वो चांदी की क्यों ना हो, वो क्या करेगी, बांधेगी ही। वैसे ही है कि सतो हो, रजो हो, तमो हो, ये तीनों प्रकृति के तीनों गुण है, तो ये क्या करेंगे, हमें बांधेंगे ही। कैसे बांधेंगे आगे हम लोग देखते हैं। है निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो सतोगुण क्या कर रहा है, सतोगुण ज्ञान और सुख से बांध दे रहा है। तो भले ही सतोगुण बहुत शुद्ध है, व्यक्ति अगर सतोगुण में होता है तो वो क्या करता है, वो सारे पुण्य कर्म करता है, कोई पाप कर्म नहीं करता, सारे अच्छे काम करता है और उस किससे शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है, यानी कि वो जितनी भी अज्ञानता है उसकी समाप्त हो जाती है और वो ज्ञान में रह के जो है संलग्न रह के काम करता है। अब लेकिन होता क्या है कि जब वो ज्ञान में संलग्न रह के कार्य करता है तो ज्ञान से मिलने वाला जो फल है उसके सुख से जो है वो मिल जाता है। तो जो ज्ञान है और सुख दोनों ही क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे सतोगुण में बांध रहे हैं। जैसे इसके उदाहरण में मैं बताता हूँ आपको कि जो कुछ वैज्ञानिक है वो इस तरीके से रहते हैं, सतोगुण में रहते हैं, वो कोई बुरा काम नहीं करते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, अपने ज्ञान में लगे रहते हैं, रिसर्च करने में लगे रहते हैं, उससे जो भी फल प्राप्त होता है वो उससे और बन जाते हैं और फिर रिसर्च में लग जाते हैं। तो वो उसी में लगे रहते हैं, वो बंधे हुए हैं उसमें। कुछ पोएट्स होते हैं जो कि अपनी कल्पनाओं में बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब किसमें आते हैं, सतोगुण में। वो हैं तो अच्छे काम तो कर रहे हैं लेकिन वो सब बंधे हुए हैं किसमें, ज्ञान से मिलने वाले सुख में, यानी कि ज्ञान में भी बन जा रहे हैं और सुख में भी बन जा रहे हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। अब रजोगुणी व्यक्ति के मन में क्या होती है, असीम आकांक्षाएं, तृष्णा यानी कि प्यास। वो कभी भी समाप्त नहीं होती, हमेशा उसके अंदर जो है प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना लगी रहती है। इसके मन में हमेशा क्या चलता रहता है कि किससे कैसे किसी से आगे निकला जाए, कैसे किसी से ज्यादा पैसे कमाए जाए, कैसे किसी से ज्यादा अच्छी चीजें खरीदी जाए, कैसे किसी से ज्यादा मान लिया जाए, सम्मान लिया जाए। तो ये इसमें लगा रहता है। तो इस तरह से क्या है, ये जो व्यक्ति है जो इस गुण में रहते हैं, रजोगुण में होते हैं, वो कभी भी क्या है, संतुष्ट नहीं हो पाते, कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर आकांक्षाएं जो है वो कैसी है, असीम है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को पानते हैं। अब देखिए सतोगुण में तो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, उससे मिलने वाले सुख से वो बन जाता है। रजोगुण में व्यक्ति सिर्फ अपनी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि वो सही कार्य है या गलत कार्य है। लेकिन जो तमोगुण में होता है जो व्यक्ति, वो कैसा होता है, वो आलसी होता है। तो जो कार्य ही नहीं करते वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, वो प्लानिंग में ही जो है वो उलझते रहते हैं, अपना पूरा समय उसी में नष्ट कर देते हैं। और उसका उसका प्रतिफल क्या होता है, उसका प्रतिफल ये है कि वो पागलपन, आलस, नींद, ये सब जो है इससे बन जाते हैं। तो ये जो तीनों गुण होते हैं ना, एक तरीके से तीनों गुण के लक्षण जो है, इसमें हम जब भी कोई भी व्यक्ति जिस भी गुण, उसको क्या लगता है कि वो गुण सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उसको क्या लगेगा कि वो दोनों गुणों वाले से सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति रजोगुण में है वो इतना ज्यादा बन जाता है कि उसको लगता है कि वो सतो और रजोगुण वाले से सर्वश्रेष्ठ, तमोगुण वाले से सर्वश्रेष्ठ है। जो तमो में है उसको लगता है कि नहीं, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ बाकी सतो और रजोगुणों से। तो जैसे इसके उदाहरण पे
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बंधे हुए इसमें इतने ज्यादा, ठीक है। तो इसका उदाहरण आता है जैसे इंद्रदेव। तो एक बार इंद्रदेव को जो है श्राप मिलता है किसी कारण से, मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन हाँ वो कि उसका जो मर्म है, उसका उद्देश्य यहाँ पे कैसे पूरा हो रहा है कि अब जो उनको श्राप मिलता है कि जाके तुम क्या बन जाओ, सूकर बन जाओ। तो वो सूकर का जन्म ले लेते हैं, सुअर का जन्म ले लेते हैं इस भौतिक संसार में आके। और जो है यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ उनके बच्चे होते हैं बहुत सारे, उनकी बीवी सब आ जाती है, उनका परिवार बन जाता है। अब ब्रह्मा जी ये सब देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि बताओ ये तो इंद्रदेव है, ये पूरे देवताओं के राजा है, और किस तरीके से जो है अपना विचरण जो है जीवन जी रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं इनको श्राप से मुक्त कर देता हूँ। वो जाते हैं इंद्रदेव के पास और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तुम्हारी जो दशा है मुझसे देखी नहीं जा रही है, मैं तुमको क्या करना चाहता हूँ, मुक्त करना चाहता हूँ। अब वो इंद्रदेव देखिए वो तमोगुण में, ठीक है। तो जानवर जो योनि होती है तमोगुण में होती है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी, इनको कौन संभालेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी यहीं रहना चाहता हूँ। तो आप देखिए जो देवता है वो भी अगर इन तीनों गुणों में फंसते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी इस गुण से ऐसे बन जाता है कोई व्यक्ति कि वो सोचता है कि वो गुण जो जिसमें रह रहा है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई गुण सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसमें आनंद ही आनंद है। सप्तम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो वही चीज यहाँ पे भी बता रहे हैं भगवान की, जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो सुख से बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वो कार्य करते हैं वो अच्छा पुण्य कर्म करते हैं, और पुण्य कर्म से उनको क्या है, अच्छी चीजें प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान से मिलने वाले सुख से वो लोग बन जाते हैं। तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, सकाम कर्म से बन जाता है। सकाम कर्म यानी कि इंद्रिय भोग की इच्छा से वो कार्य करता है और उससे मिलने वाले फल से वो बन जाता है। अब उसकी इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो इच्छा प्रकट करेगा उसके अंदर प्रतिस्पर्धा असीम आकांक्षा है। कुछ अगर मिल गया और लालच आ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर मिल गया फिर बढ़ जाएगा, तो वो उससे बंधा हुआ रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति क्या है, वो अज्ञानता में बंधा हुआ रहता है, उसके अंदर अज्ञानता रहती है, तो वो पागलपन से जो है बन जाता है, कुछ भी कार्य करने में लगा रहता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा रमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी तीन गुण होते हैं वो हर क्षण जो है क्या है, हमारे एक एक क्षण को जो है, एक एक सेकंड को जो है प्रभावित करते हैं। मतलब हमारा एक एक क्षण जो है तीनों गुणों से प्रभावित है, तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ने बैठा है ना, तो कोई व्यक्ति पढ़ने बैठता है तो स्टार्टिंग में बहुत सिंसियरली पढ़ता है, टेबल चेयर पे बैठ के कुछ पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो किस गुण में है? अभी उस सतोगुण उसका सर्वश्रेष्ठ है, तो रजोगुण तमोगुण से। लेकिन कुछ समय के बाद उसको क्या होता है कि थोड़ा सा लेट के पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा शरीर को थोड़ा फैला के पढ़ते हैं, तो वो किस में आ गया, अब रजोगुण में। तो रजोगुण श्रेष्ठ हो गया सतो और तमो से, और कुछ समय पढ़ते पढ़ते क्या होता है, वो सो जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि तमोगुण जो है वो परास्त कर दिया किसको, रजो और सतो। तो जो हमारा एक एक क्षण है वो तो प्रभावित है ही है, लेकिन ये जो समाज है ये भी क्या है, तीनों गुणों से प्रभावित है, सतो रजो तमो तीनों से प्रभावित है। जैसे जब सतयुग था तो सतोगुण जो है सर्वश्रेष्ठ था, वहां पे रजो और तमो कम था, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, कलयुग के स्टार्टिंग में शुरुआत में जो है तमोगुण रजोगुण सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन अभी जैसे घोर कलयुग आता जा रहा है तो तमोगुण जो है वो परास्त कर दिया है किसको, सतो और रजोगुण। तो हर एक चीज जो है पूरे इस भौतिक संसार में सब कुछ जो है वो किससे प्रभावित होता है, वो तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। तो हमारा जो मन है उसको कौन है, तीनों गुण खींचते रहते हैं हर एक समय। कुछ समय सतोगुण खींच देता है, कुछ समय रजोगुण खींच देता है, और कुछ समय तमोगुण खींच देता है। तो सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर में 9 द्वार है, ठीक है। तो अगर 9 द्वार अगर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, मतलब किस क्या 9 द्वार से अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर जो है सिर्फ ज्ञान का अनुशीलन करता है, सिर्फ ज्ञान लेता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि वो हमेशा सतोगुण में रह के ही कार्य करता है, अन्यथा क्या है वो दूसरे गुण से प्रभावित होगा। तो उसकी अभिव्यक्ति, उसका अनुभव कब किया जा सकता है, जब हम लोग अब हमारे अंदर क्या करें, वास्तविक ज्ञान को लेने की जिज्ञासा को जो है पूरी करें।
और वो जब पूरी हो जाएगी तो हम जितने भी व्यक्ति हैं जो भी इस तरीके से कार्य करेगा वो क्या करेगा, हमेशा सतोगुण में रहते हुए कोई भी तरीके के पाप कर्म में नहीं लगते, वो पुण्य कर्म ही करता रहे। लेकिन हे भरतवंशी, में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब रजोगुण में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो क्या है, उसके अंदर क्या 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 चीजें बढ़ने लगती है, उसके अंदर लालच आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं समाप्त तो नहीं होती, वो अपने अपनी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता रहता है, तो उसकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो जितनी ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा उसका लालच बढ़ता जाएगा, है ना। और लालच से क्या होगा, उस अनियंत्रित इच्छाओं से उसकी लालच बढ़ जाएगी और उसमें वो क्या है, उन सबसे वो बंधा रहे। लेकिन तमोगुण में वृद्धि होती है तो क्या होता है कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। और जब व्यक्ति तमोगुण से ग्रसित हो जाता है पूरी तरीके से तो उसका क्या होता है, उसके अंदर अंधकार आ जाता है, ज्ञानता आ जाती है, तो वो हमेशा अज्ञानता में रह के कार्य करता है। जड़ता, जड़ता मतलब कि पागलपन आ जाता है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जो मन में आया वो करता है। प्रमत्तता और क्या हो जाता है, सॉरी, जड़ता मतलब आलस और प्रमत्तता मतलब कि पागलपन, तो वो आलसी हो जाता है, कुछ भी उसका कार्य करने में मन नहीं लगता, और प्रमत्तता पागलपन में यानी कि सारे गलत कार्य करने में लगा रहता है। तो इसके प्रतिफल आपको बताइए कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब के शिकार हो जाता है। तो जो अगर व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब का शिकार हो गया है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तमोगुण उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ हो गया है, दोनों को, सतो और रजो को परास्त कर चुका है। और उसको कम करने के लिए हमें जो है प्रयास करना होगा कि हम लोग कैसे सतोगुण तक तो हमें अपने आप को उठा पाए, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब तीनों गुणों की गति क्या होती है, मान लो कोई व्यक्ति सतोगुण में है और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, जो रजोगुण में उसकी मृत्यु होगी तो क्या होगा। तो जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। देखिए, सतोगुण वाला व्यक्ति भी जो है भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है, वो कितने भी पुण्य कर्म कर ले, कितने भी अच्छे कार्य कर ले, लेकिन वो फिर भी नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वो किससे बंधा हुआ है, वो उस ज्ञान और सुख से बंधा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति संसार में बंधा हुआ है वो तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, वो कभी भगवान के धाम जाने के योग्य बन ही नहीं सकता। तो भले ही सतोगुण वाले व्यक्ति अच्छे कार्य करते हो, पुण्य कर्म करते हो, ज्ञान ले रहे हो, सारी चीज ले रहे हो, लेकिन फिर भी वो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए हैं ज्ञान और सुख से। हाँ, लेकिन उन्हें उसके फल जो है अच्छे प्राप्त होंगे कि वो उच्च ग्रहों की ओर जाएंगे। तो 14 प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं, अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, तो उसमें उच्च ग्रहों की ओर जाते हैं, उच्च ग्रहों की ओर, जिसमें कि जो है देवी देवताओं के जो लोक होते हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, इसमें जो है वो उनको ये प्राप्त है। लेकिन जो रजोगुण में होते हैं, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। तो सकाम कर्मी यानी कि जिनको फल की इच्छाएं रहती है। ठीक है, रजोगुण में जो लोग मरते हैं ना, उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो सकाम कर्मियों के बीच, यानी कि सकाम कर्मी यानी कि इस मृत्यु लोक में ही वो जन्म लेता है, वापिस से इस भौतिक संसार में आता है। अब उसे शरीर मनुष्य योनि मिलेगी नहीं मिलेगी, ये उसके कर्मों और उसकी इच्छाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन आएगा वो ही। तो ऐसा क्यों होता है इनके साथ? क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी होती है कि वो पूरी नहीं हो पाती है एक जन्म में, तो भगवान उनको एक और मौका देते हैं, और जन्म देते हैं कि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर ले। अब ऐसा नहीं कि उनको जस्ट एक अगला जो है जन्म मनुष्य ने दे दिया, पता नहीं अब कब मिलेगा, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनको मौका मिलेगा। जो देखिए, लोग क्या सोचते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों को पूरा कर ले, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लो, उसके बाद फिर क्या करेंगे, पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम परीक्षित महाराज तो है नहीं हम लोग, कि हमें पता चल जाए कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होनी है। हमें तो ये पता ही नहीं कि हमारी कब मृत्यु हो जाए, पता नहीं 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए। अभी तो होता क्या है कि जो आदमी के मन में इच्छाएं होती है, जैसे 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 होती हो कि लोगों के मन में होती है कि मेरी नौकरी लग जाए, है ना, मुझे सक्सेस मिल जाए, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सब कुछ। और वो जब ये सारी इच्छाएं लेके अगर उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो क्या होता है, उसको फिर से एक जन्म मिलेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, उसे एक और मौका मिलेगा कि ये इच्छाओं को पूरा, वो ये इच्छाओं को पूरा कर ले। इसलिए हमें क्या, जितना जल्दी हो सके भक्ति में अपने आप को लगाना है, अपनी इच्छाओं में, अपनी इच्छाओं को किसके कार्य के लिए लगाना है, भगवान के कार्यों के लिए। यानी कि अपनी इच्छाओं को हम लोग दबा तो नहीं सकते, लेकिन क्यों ना उसको भगवान की सेवा में लगा दे। तो इससे क्या होगा कि हम ये जो असीमित इच्छा है वो हमारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती है ना, वो हमेशा चलती रहेगी। तो इस अगर वो चलती रहेगी तो हम भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। उसके बाद बोला गया है कि जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। आप देखिए, पशु योनि में क्यों करता है, क्योंकि अगर इनको मनुष्य योनि मिलती है तो भी ये पशुओं जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर भगवान क्या सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ मनुष्य योनि में तो फिर भी पशु योनि जैसा जीवन बिताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर क्यों ना इनको पशु योनि दी जाए, जिससे कि ये आसानी से जो करना चाहते हैं वो कर ले, जो यहाँ कर रहे थे वो वहां बिना किसी रोक टोक के करेंगे। तो इसलिए उनको क्या दे देते हैं, पशु योनि में जन्म धारण करने। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं, ज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो अभी ये फिर से वही चीज भगवान बता रहे हैं, क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसका जो फल मिलता है उसको वो शुद्ध होता है, सात्विक फल कहलाता है। लेकिन जो रजोगुण में होता है, अब उसमें असीमित इच्छा है, अब वो इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, तो उसे देखिए जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो रही है, उसमें तो उसको आनंद मिल रहा है, लेकिन एंड में जाके क्या होगा, वो दुख का ही कारण बनेगा। तो इसलिए वो हमेशा क्या है, दुख, जो दुख संपन्न कर्म क्या है, हमेशा दुख देता है। लेकिन और तमोगुण में जो होता है वो हमेशा मूर्खता में प्रतिफलित होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य ही ऐसे कर रहा है ज्ञानतावश, तो हमेशा किसमें फलित हो जाता है, वो मूर्खता में फलित हो जाता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद उत्पन्न होता है। फिर से भगवान उस चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अच्छे कार्य हम लोग कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, ज्ञान जिज्ञासा कर रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, तो हमें बिल्कुल ज्ञान उत्पन्न होगा। लेकिन रजोगुण से लोभ उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो इंद्रिय भोग के लिए है वो असीमित है, तो अगर वो पूरी हो जाएगी तो फिर वो लालच बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की भावना तो लगी है ना हमारे अंदर, तो वो लालच हमारे अंदर बढ़ता जाए। और तमोगुण बिल्कुल अज्ञानता में कार्य कर रहा है आदमी, तो वही पागलपन आलस ये सब जो है उसके अंदर, मोह ये सब उत्पन्न होता ही जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा अगर वो इससे निकलने के लिए प्रयास नहीं करेगा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे के नरक लोकों को जाते हैं। वही चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 प्लेनेटरी सिस्टम है हमारे, ठीक है। तो भूर लोक जाके जहाँ पे कि हम लोग निवास करते हैं, तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो यहीं वापिस आ जाता है भूर लोक में, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो नीचे के लोगों को प्राप्त करते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो जो उच्च ग्रहों की प्राप्त करते हैं, भूअर लोक स्वर्ग लोक महर लोक जन लोक कप लोक सत्यलोक, तो सत्यलोक जो है सबसे टॉप पे है। तो इस तरीके से जो है लोग क्या करते हैं, ये जो भी सतोगुणी होते हैं वो हायर प्लेनेट्स पे जाते हैं, उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, रजोगुणी यही रह जाते हैं वापिस से, यही जन्म लेते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति नीचे के लोगों को प्राप्त। अब जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, जो इन तीनों गुणों से परे है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान फिर उस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये जान लिया कि वास्तव में प्रकृति कार्य करती है, जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि करवसः, कि प्रकृति के तीन गुण ही कार्य करते हैं, हम सिर्फ कठपुतली की जैसे नाचते रहते हैं। आप इस फोटो में देख लीजिए, हम लोग जिस गुण में होंगे वो गुण हमसे वो कार्य कराने के लिए हमें क्या करेगा, प्रेरित करेगा, और हम वो लोग वो कार्य करने लग जाएंगे। तो जब तक हम इन तीनों गुणों में बंधे रहेंगे तो क्या होगा कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो अगर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है या इन तीनों गुणों से मुक्त होना है तो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। और इन तीनों गुणों से ऊपर क्या होता है, एक और गुण होता है जिसको बोला जाता है शुद्ध सत्व। तो हम जब तक अपने
आपको शुद्ध सत्व में स्थित नहीं करेंगे तब तक हम भक्तिमय कार्यों में नहीं लग पाएंगे, और अगर भक्तिमय कार्यों में नहीं लगेंगे तो इस भवसागर में डूबे रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से जो परे है वही मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ स्थित हो जाएगा? वो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को ये चीज बता दी कि निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थो निर्योग क्षेम आत्मभवन। निर्द्वंदो, इन द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, नित्य सत्व स्थो शुद्ध सत्व में स्थित करो अपने आप को, तीनों गुणों से ऊपर उठाओ, त्रैगुण्य विषया वेदा, इन तीनों गुणों के विषय से ऊपर उठने का प्रयास करो, तभी तुम क्या है और आत्मपरायण होकर कर्म करो। तो ये भगवान पहले ही अर्जुन को दूसरे अध्याय में ये चीज बता दिए थे। वो इसलिए बताए थे क्योंकि इससे ऐसा करने से हम तीनों गुणों से मुक्त होकर भगवान के दिव्य स्वभाव को यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अब अगर कोई व्यक्ति मान लो यही प्रयास कर रहा है कि अपने आप को जो है तीनों गुणों से ऊपर उठाए, तो वो यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो उसको मुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन वो इस संसार में रहते हुए भी वो क्या है शांति से इतना जीवन व्यतीत कर पाएगा। अब अर्जुन पूछते हैं, देखिए भगवान ने तो बोला कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, लेकिन वो जो तीनों गुणों से ऊपर उठता है उसका भी उसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाए, उनको कैसे जानेंगे हम, उसका आचरण कैसा होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि वो तीनों गुणों से ऊपर है, और प्रकृति के गुणों गुणों को कैसे किस प्रकार से लांगता है ये भी बताइए। तो अभी अर्जुन ने तीनों प्रश्न पूछ ले, वही हमारे जो भी प्रश्न है कि कैसे संभव है कि हम तीनों गुणों को जो है लांग सकते हैं। भगवान बताते हैं, भगवान ने कहा हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आ सकती तथा मोह की उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, तो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा विचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो गुणातीत जो होते हैं वो गुणों से ऊपर, गुणों से परे होते हैं। तो भगवान गुणातीत है और व्यक्ति गुणातीत, हम लोग गुणातीत कब बन सकते हैं, जब ये सारे लक्षण हमें जो है हम लोग पैदा कर लेते हैं या फिर जागृत कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सबसे मेन चीज तो बता रहे हैं कि सारे द्वंद्वों से, क्योंकि प्रकृति पूरे द्वंद्वों से भरी हुई है, तो द्वंद्वों से जो मुक्त रहता है, द्वंद्वों से कभी भी वो विचलित नहीं होता, उससे क्या होगा, वो इन तीनों गुणों को लांघने के लिए योग्य बन जाएगा। ठीक है, जो जैसे यहाँ पे बताया भगवान ने कि मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, यानी कि सभी को एक समान दृष्टि से देख रहा है, यानी कि सभी चीजें किसका किसकी है, सब कुछ भगवान, ईशावास्यम इदम सर्व, सब कुछ भगवान का है। अगर इस तरीके से अगर वो देख रहा है, इस तरीके से वो कार्य कर रहा है, तो वो क्या है, सभी पे करुणा दिखाएगा, यानी कि सब मित्रों के साथ भी सही अच्छा व्यवहार करेगा, अपने शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करेगा, करुणा दिखाएगा, सभी को एक समान दृष्टि से देखेगा कि सभी भगवान के अंश है और कभी भी किसी चीज से विचलित नहीं। तो ऐसा जो अपने अंदर जो लक्षण जागृत कर लेता है, जो अपने अंदर इन लक्षणों को पैदा कर लेता है या फिर पोषण दे देता है, पोषित कर लेता है, तो वो गुणों से परे हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म के स्तर तक मतलब कि आत्म साक्षात्कार के स्तर तक। तो जब वो बिना विचलित हुए किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से, कभी भी जो भी है, इतना जो भी डिस्ट्रैक्शन है भौतिक संसार में, उनसे विचलित हुए बिना, इंद्रिय भोग से विचलित हुए बिना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके वो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाए रखता है, उससे होगा क्या कि धीरे 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 जब वो प्रयास करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो उससे वो आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाएगा। और जब वो आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो वो स्वतः ही क्या कर देगा, तीनों गुणों को वैसे ही लांग चुका होगा, वो शुद्ध सत्व में स्थित हो गया होगा।
और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अभी जैसे मैं पहले मैंने आपको बताया था कि भगवान इस चीज की पुष्टि करेंगे, वही चीज यहाँ पे भगवान कर रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है उसका आश्रय मैं हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी निराकार जो है उसका जो आधार है वो आकार ही है, बिना आकार के निराकार नहीं संभव है। मतलब अगर सूरज है तो वो आकार है, तभी उसकी लाइट आ रही है तो लाइट निराकार है। फूल है तो वो उसका कोई आकार है, लेकिन जो सुगंध है उसका कोई आकार नहीं। वैसे ही भगवान है तो भगवान से जो निकलने वाला तेज ब्रह्म ज्योति उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन भगवान का तो आकार है, भगवान साकार है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसका आश्रय मैं हूँ। जो अमृत्य है, अविनाशी है बिल्कुल, वो भी शाश्वत है, हाँ, और वो चरम सुख का स्वाभाविक पद है बिल्कुल। लेकिन वही क्या है, उससे होता क्या है कि वो कभी भी जो व्यक्ति है जो निराकार ब्रह्म की पूजा करता है या भक्ति करता है, वो भगवान की सेवा प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन वो मुक्त हो जाएगा। वही फिर अपनी इच्छा वापस प्रकट करके उसको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, सेवा भगवान के साकार रूप की सेवा करनी होगी, भक्ति करनी होगी, तभी वो जो है भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर। तो भलाई जो होता है वो सतोगुण में आता है, जुनून जो पेशन है वो रजोगुण में आता है, अज्ञानता जो है वो किस में आती है, तमोगुण में आती है। तो हमारा जो जागने का समय है वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उठ जाता है, मंगल आरती करता है, चैंटिंग करता है, भगवान की पूजा में लगता है, वो सतोगुण में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो रजोगुण में होता है वो क्या करता है, वो ब्रह्म मुहूर्त से बाद में उठता है, और जो तमोगुण में होता है वो वास्तव में गुड मॉर्निंग वाला नहीं, वो गुड आफ्टरनून वाला जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में तमोगुण से जो है ग्रसित होता है। जागने भी हमारे जागने के बाद की जो गतिविधियां है, कई बार लोग क्या करते हैं कि उठते हैं और जो है वो अपने पैशन की ओर भागने लगते हैं, तो वो रजोगुण में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने पैशन के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उठता है और अपने सबसे पहले जो समय है वो भगवान को देता है, भगवान के लिए कार्य करता है, मंगल आरती करता है, तभी उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जा रहा है ना, कि वो है ही भगवान के लिए वो समय। उसके बाद फिर वो अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से जो करता है वो सतोगुण में होता है, जो अपने पैशन यानी जिम और ये सब करने में लगा रहता है वो रजोगुण में होता है, और जो व्यक्ति तो उठते ही नहीं है मतलब वास्तव में, वो तो पूरा तमोगुण में ही जो है होते हैं। हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं उससे भी हम लोग जो है वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है। जैसे सतोगुण में व्यक्ति क्या करता है, अपनी जिज्ञासाओं को जो है पूरी करने के लिए प्रामाणिक किताबों को पढ़ता है और उसके माध्यम से जो है अपनी जिज्ञासाएं समाप्त करता है। लेकिन रजोगुण व्यक्ति क्या करता है, रजोगुण व्यक्ति कैसे किसी से आगे निकला जाए, वही चीज है। जो जो नॉवेल होते हैं, जो भी फिक्शन, जो पता नहीं कैसे नॉवेल जो होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक उदाहरण दिया है कि हाउ टू बिकम रिच, इस तरीके के जो है वो किताबों को, पुस्तकों को जो है पढ़ता है। और तमोगुणी व्यक्ति बेसिर पैर की किताबों को पढ़ता है, ठीक है, जो एक्शन कॉमिक्स जो होती है जिसमें कुछ ज्ञान कुछ नहीं होता, ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत कहानियां होती है और उन्हीं को जो है वो पढ़ता रहता है, तो वो तमोगुण जो है पुस्तकें होती है। सोने का समय भी है, अगर व्यक्ति समय से सो जाता है तो वो सतोगुण से प्रभावित, सतोगुण में जैसे जो समय है, यानी कि मान लो 11 बजे के बाद पहले का जो समय होता है वो सतोगुण का होता है, और 11 बजे के बाद जो गुण हो जाता है वो रजोगुण। उसके बाद फिर जो लेट नाइट जो कि निशाचर जो जिनको बोला जाता है ना, वो सोते ही नहीं, वो वास्तव में तमोगुण से प्रभावित होता है क्योंकि वो समय। तो जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, क्यों, क्योंकि वो आत्मा है, भगवान का अंश है हम लोग, और भगवान अगर गुणातीत है तो हम भी गुणातीत है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम लोग तीनों गुणों से बन जाते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संपर्क के कारण उनसे क्या होता है, उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा हो जाती है और हम लोग को लगता है कि हम ही कार्य कर रहे हैं, वास्तव में और कोई कार्य नहीं कर रहा। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रवृत्त होने पर, भक्ति में प्रवृत्त होने पर यह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता
जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। तो मतलब ये है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें कि अगर हम लोग अपने आप को अगर भक्ति में लगाएंगे, हम लोग को अगर ये इस चीज को हम लोग रियलाइज करेंगे कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और आत्मा का जो है आत्मा कार्य मतलब शरीर कार्य नहीं कर रहा है, वास्तव में तीन गुण कार्य कर रहे हैं और तीनों गुणों में हम लोग बंधे, इसका मतलब कि वो तीनों गुण हमको क्या है, नचा रहे हैं। तो ये सब चीजें कब पैदा हो पाएगी, जब हम लोग भक्तों के संग में रह के भक्ति का अभ्यास करेंगे, और जब इस चीज का हम लोग अभ्यास करेंगे प्रामाणिक गुरु के माध्यम से इन चीजों को जब समझने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या है इसमें अपने आप को जो है इससे हम इस अपने आप को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे छुटकारा दिला सकते हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो वास्तव में हमें क्या है अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे इन तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। तो ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, कल भी मैंने आपको बताया था कि ऋषिकेश की ऋषिकेन यानी कि सारी इंद्रियों से सेवनम सेवा करना ही हमारा क्या है वास्तविक स्वभाव है। तो वही अगर हम लोग करते रहेंगे, उसका ही अभ्यास करते रहेंगे, तो हम लोग इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे अगर और बताया भी है प्रभुपाद जी बताते हैं बता रहे हैं कि हम लोग कैसे सेवा कर सकते हैं, हम लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा सकते हैं, ठीक है, तो जो भोग लगाना है वो सेवा हो गया। उसके बाद फिर भगवान के चरण कमलों पे फूल जो है हम लोग अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बोले हैं पत्रम पुष्पम फलम पोयम, ठीक है, पुष्पों की सुगंध ले सकते हैं जो भी उनके हम चरणों में डाले हैं, उनसे भगवान के लीला स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग इंद्रियों से सेवा हो रही है, जिह्वा से हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, नाक से हम लोग सुगंध फूल की सुगंध ले रहे हैं, पैरों से हम लोग भगवान की लीला स्थलों के दर्शनों मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, और तो और हम लोग अपना मन जो है इंद्रियां, ये अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जब कर रहे हैं तो चैंटिंग जो कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपने पूरी जो भी इंद्रियां हैं उससे हम लोग भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यही कार्य करते रहेंगे, यही अभ्यास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे इन तीनों गुणों से हम अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।